गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है बिल्कुल सही देखा है। अगर आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको भी बुक की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। और बुकें भी काफ़ी महंगी आती हैं, तो हम लोग उसे परचेज करने में क्या करते हैं, झिझकते हैं, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की किसी भी ब्रांच की जो है बुकें कहाँ से लाएंगे, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं आपको। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बात फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोस्तों बुक परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बुकें आपको ख़रीदना नहीं है, ठीक है। ये आपको एक ऐप के ज़रिए जो है आपको सारी की सारे बुकें दी जाती हैं। वो ऐप्स क्या है दोस्तों, तो देख लीजिएगा दोस्तों, वो ऐप आपके सामने दिख गया होगा, ठीक है। वो रहा दोस्तों ये ऐप, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों जीपे के, यानी हम मोबी जीपे के भी इस ऐप को बोलते हैं, ठीक है। इस ऐप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप प्ले स्टोर पर भी इसको सर्च करेंगे तो ये आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसको प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस ऐप को देख लेते हैं। आपको दोस्तों इस ऐप पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने क्या होगा कि जो आपकी ब्रांचेस रहेंगी, ठीक है, जो भी आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच रहेंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी की सारी दोस्तों ब्रांचेस आपके सामने शो हो जाती है। और आपको देखना ये है कि आप किस जो है ब्रांच के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और दोस्तों इस ऐप में आपको देखिए यहाँ पे क्यूज़ भी मिल जाती हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और आपने टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्विज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन क्विज़ दोस्तों जो दी गई हैं वो ओनली फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए दी गई हैं, जैसे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए ही दी गई हैं, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के और सिविल के, तो तीनों ब्रांच के लिए क्विज़ दी गई हैं, बट वो दोस्तों थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है। तो आप देखिए, हम बैक आ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर जो है क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ आपसे बोला गया कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से आपको चॉइस कर लेना है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के, फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं तो आप उस पर क्लिक कर दें। मान लीजिए आप दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी होता है, सेकेंड सेमेस्टर भी होता है, तो आपके सेमेस्टर भी यहाँ पर खुल करके आ गए। अब आपको यहाँ से फिर से चॉइस कर लेना कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड सेमेस्टर के। मान लीजिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों क्या होगा, आपके सामने जितने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं वो, ठीक है, आपके सारे के सारे ओपन हो जाते हैं, वो भी रिटन, ठीक है। जैसा कि मैंने सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट था, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। तो देख सकते हैं आप सारे के सारे सब्जेक्ट आपके दोस्तों ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और इन सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी बताया था मैंने, इस चैनल पर कराई जा रही है, वीडियो दोस्तों डेली आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा अगर कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो, ठीक है। और शेयर भी करिएगा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का या मैं कहूँ केमिस्ट्री का मुझे बुक चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर एक बार क्लिक कर देना है। मान लीजिए मुझे दोस्तों केमिस्ट्री का चाहिए, तो मैं इस पर केमिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं केमिस्ट्री पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है, यानी आपकी जो जीमेल रहेगी, ईमेल रहेगी, उस पर आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका ईमेल से अकाउंट बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि मेरा ऊपर वाला जो ईमेल है उससे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधा गूगल ड्राइव पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। गूगल ड्राइव पर जो है आपकी बुक कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं, अनुप्रयुक्त रसायन, अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये दोस्तों किसकी है, नगीन प्रकाशन की, ठीक है, नगीन प्रकाशन की बुक इसमें दी गई है। डॉक्टर राजेश कपूर जो हैं इसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये अब दोस्तों धीरे धीरे से ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो बुक है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आपका दोस्तों सिलेबस भी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है, आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो हैं दोस्तों पढ़नी है, ठीक है।
तो ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप बुक नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सारी बुकें मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका सारा का सारा जो है कंटेंट यहाँ पे दिया गया है बढ़िया तरीके से, आप दिया गया, आप इसको जूम इन और जूम आउट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमने केमिस्ट्री का देखा था और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए देखा था। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अदर कोई ब्रांच और कोई अदर जो है हम सेमेस्टर सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग का देखना है तो सिविल इंजीनियरिंग पर क्लिक करिए, और मान लीजिए मुझे सेकंड ईयर का देखना है तो सेकंड ईयर पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मुझे दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का देखना है तो थर्ड सेमेस्टर पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ से मान लीजिए मुझे बिल्डिंग ड्राॅइंग का जो है अपनी बुक देखनी है तो मैं बिल्डिंग ड्राॅइंग पर क्लिक करने के बाद अपना जो जी मेल रहेगा उस पर मैं लॉग इन कर दूंगा, ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आगे देख लीजिए आप गूगल ड्राइव पर फिर से पहुंच गए और आपकी जो भवन ड्राइंग यानी बिल्डिंग ड्राइंग की जो बुक है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले सिलेबस भी बताया गया है और सिलेबस के वीडियो भी मैंने डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका क्या जो आपका बिल्डिंग ड्राॅइंग है उसका बुक, ठीक है, यहाँ से। और दोस्तों इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, बस केवल इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और आप जब चाहें तब इस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, 10 से 12 MB जो है इस एप्लीकेशन का साइज़ है, तो बढ़िया रहेगा आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो, ठीक है। वैसे भी अगर आप सारे सब्जेक्ट की बुकों की PDF बनाकर भी रखेंगे तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 10 से 12 MB का आप ऐप रख लेंगे तो उसमें आपको सारी बुकें मिल जाती हैं, ठीक है। और जब चाहे तब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं और इसमें खोने का कोई डर नहीं है, PDF नोट आपसे डिलीट भी हो सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, इस एप्लीकेशन को, तो जाइएगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं कोई भी इसको देख रहा है तो वीडियो डेली आ रहे हैं, ठीक है, आपके सभी सब्जेक्ट के और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। PDF नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के और प्रत्येक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।